अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। हमारा इसमें पहला उनवान है नज़म पेशे। पेशे आपको पता है किसे कहते हैं? जी, पेशे उसे कहते हैं जब आप पढ़ लिख लेंगे तो यकीनन आप कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करेंगे। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई फौजी बनता है। इसी तरह पढ़ लिख कर कोई ना कोई पेशा अख्तियार करता है। ये जो सब काम है ये पेशे कहलाते हैं। आज हम एक नज़म पेशे से मुतालिक पढ़ेंगे। इस नज़म के शायर आरिफ हौरी हैं। आइए देखते हैं शायर आरिफ हौरी इस नज़म पेशे में क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक पेशे की नज़म है जो हम पढ़ते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं कौन भला क्या करता है। यानी यहाँ पे शायर बता रहे हैं कि कौन क्या काम करता है। धोबी कपड़े धोता है, मोची जूते सीता है। यकीनन आप किससे कपड़े धुलवा दोगे? धोबी से। आपके घर धोबी आता होगा, आपके कपड़े ले जाता होगा, आपको धोकर साफ सुथरे और इस्त्री करके आपको वापस करता होगा। इसी तरह जब आपके जूते ख़राब हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो आप मोची के पास ले जाते हैं, उससे सिलवाते हैं, उसको वो आपको सही करके दे देता है। वो कुम्हार है जो मिट्टी से हांडी गढ़े बनाता है। आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन वाला जो आता है, उसके पास मिट्टी की हांडियाँ होती हैं और इसके अलावा बर्तन होते हैं मिट्टी के बहुत सारे। ये एक कुम्हार कहलाता है जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। वो है मछेरा जो दरिया से मछली पकड़ा करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर मछेरे जो होते हैं जाल के ज़रिए मछलियाँ पकड़ते हैं दरिया से, फिर बाज़ार में ले जाते हैं, बेच देते हैं, फिर वो मछलियाँ हम तक पहुँच जाती हैं। और ये काम कौन करता है? मछेरा। आइए मज़ीद पेशों के बारे में जानते हैं। बावर्ची वो है जो घर घर जाकर देख पकाता है। यकीनन आपके घर का जब कोई तकरीब होती होगी तो आप किसी बावर्ची से खाना पकवाते होंगे और आपको बहुत मज़े का भी लगता होगा। ये बावर्ची है जो हमारे लिए मेहनत करता है, हमारे लिए खाना पकाता है और हम मज़े मज़े के खाने खाते हैं। कुर्सी मेज़ पलंग अलमारी ये सब बढ़े ही बनाता है। आपके घर में बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें होंगी, सोफ़े, अलमारी, और इसके अलावा हम खिड़कियाँ देख रहे हैं लकड़ी की होती हैं, कुछ दरवाज़े होते हैं, ये सब कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है जो लकड़ी तराश कर बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाता है। अपने मोहल्ले का हज्जाम सबके बाल बनाता है। जब आपके बाल बड़े हो जाते हैं आप किसके पास जाते हैं? जी हाँ, हज्जाम के पास जाते हैं। हज्जाम किसे कहते हैं? नाई को कहते हैं जो हमारे बाल काटते हैं। और अगर हम ये हज्जाम हमारे बाल ना काटे तो क्या होगा? हमारे बाल इतने बड़े 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 हो जाएंगे। तो ये हज्जाम का काम होता है जो हमारे बाल हर वक्त सही करता है। ये जो कसाई की है दुकान, गोश्त यहाँ पर मिलता है। आप यकीनन आपको चिकन पसंद होगी, कोई कबाब खाता होगा। ये सब किससे बनते हैं? ये सब गोश्त से बनते हैं। और गोश्त बेचने वाले को क्या कहते हैं? कसाई। कसाई क्या करते हैं? जानवर को ज़िबा करते हैं, उनके गोश्त बनाते हैं, फिर आपको देते हैं, फिर आप की अम्मी घर में आपके लिए मज़ेदार खाने बनाती हैं। ये सब काम जो है कसाई की वजह से होता है जो आप तक गोश्त पहुंचाता है। और मिठाई हलवाई की हर कोई शौक से खाता है। यकीनन आपको मीठी चीज़ें पसंद होंगी। किसी को गुलाब जामुन पसंद होती है, किसी को चमचम पसंद होती है, और इस तरह बहुत सारी मिठाइयाँ जो होती हैं वो हलवाई बनाते हैं आपके लिए। तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं ताकि आप शौक़ से उसे खाएं, और वो हमारे हर जायके का ख्याल रखते हैं।
डाकिया अपने गांव का सबके खत पहुंचाता है। अच्छा, जब हमें किसी को पैगाम देना होता है तो हम क्या करते हैं? खत लिखते हैं ना। पहले ज़माने में जो है ये खत पहुंचाने का काम, खत लिखने का काम बहुत ज़्यादा होता था। अब तो हम मोबाइल में लेते हैं, किसी को मैसेज कर देते हैं और इसी तरह नेट के ज़रिए हम किसी को खत भेज देते हैं। लेकिन अब जो पहले जो था कि ये हमारे पैगाम रसानी का ज़रिया जो था वो खत ही था, और ये खत जो होते थे हमारे मुल्कों में भी जाते थे, शहरों में भी जाते थे, और इस तरह लोग अपने पैगाम खत के ज़रिए पहुंचाते थे। और जो काम जो है दूसरे खत पहुंचाने का, ये डाकिया का काम होता है, वो आपके घर खत लेकर आता है, चाहे वो किसी मुल्क से आए हो चाहे वो किसी शहर से आए हो। इस तरह आपको किसी दूसरे शहर या मुल्क में रहने वाले अफराद का पैगाम मिल जाता है। रात को जाग के पहरेदार गलियों गलियों फिरता है। कि ना, जब हम सो जाते हैं तो आपको एक सीटियों की आवाज़ आ रही होती होगी, वो कौन होते हैं? पहरेदार होते हैं, चौकीदार होते हैं, जो आपकी गली में फिरते रहते हैं, आपकी हिफाजत करते रहते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं और आपकी गली की हिफाजत कर रहे होते हैं। वो गलियों में मुस्तकिल फिरते रहते हैं और देखते हैं कि आपको, आप हिफाजत से हैं, आपको मतलब आपकी कोई चीज़, सब चीज़ें हिफाजत से हैं, हर चीज़ का वो ख्याल रख रहा होता है। गेट पे बैठा चौकीदार सबकी हिफाजत करता है। आपके स्कूल में आपने देखा होगा आपके बाहर चौकीदार बैठा हुआ होता है, वो किसकी हिफाजत कर रहा होता है? आपके आपके स्कूल की हिफाजत कर रहा होता है, स्कूल में आने वाले बच्चों की हिफाजत कर रहा होता है। और ये चौकीदार का काम जो होता है वो बड़ा अहम होता है। वो अपनी क्या कहते हैं, अब आपकी आपको हिफाजत से रखने के लिए, आपकी आपको हिफाजत देने के लिए ख़ुद को मुश्किल में डालते हैं, ख़ुद को ख़तरे में डालते हैं। आपने देखा होगा इसी तरह बैंक और बहुत से इदारे होते हैं जिसमें बाहर चौकीदार बैठे होते हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। फौजी है सरहद का महाफिज, दुश्मन से वो लड़ता है। जी, हम अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन फौजी क्या करते हैं? हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। वो रात भर जागते हैं कहीं दुश्मन हमारे हमारी सरहदों से दाखिल ना हो जाए, हमारे मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और हमें आराम और सुकून की नींद देता है फौजी। और फौजी के काम बहुत अहम होता है। वो अपनी जान पर खेलकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं और अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाते हैं और हमें महफूज रखते हैं। बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर इल्म की शम्मा जलाता है। जी हाँ, आपके उस्ताद हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आपको इल्म सिखाते हैं, ताकि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान, अच्छे आदमी बन सकें और एक आला मुकाम हासिल कर सकें। जब आप अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो यकीनन आप कोई अच्छे आदमी बनेंगे, और आपके सिर्फ माँ बाप नहीं, आपके उस्ताद को भी खुशी होती है जब आपको किसी मुकाम पर देखते हैं, बड़े मुकाम पर देखते हैं। तो इसलिए माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा उस्ताद का ही है, जो आपके बहुत करीब होते हैं, आपको बहुत जानते हैं और आपको आपको हमेशा तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए उस्ताद का रुतबा बहुत अहम है। अब यहाँ पर हमने इस नज़म में बहुत सारे पेशे पढ़े। पेशे आपको पता चला कि पेशे किसे कहते हैं? किसी भी काम को कहते हैं, चाहे वो काम जो तालीम हासिल करके किया जाए या कोई हुनर हासिल करके किया जाए। जैसे बहुत से पेशे जो होते हैं वो तालीम याफ्ता पेशे होते हैं, जैसे तालीम जिसके लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी होती है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, इन सब के लिए हमें तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर हम ये पेशा अख्तियार नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ पेशे होते हैं जिनके लिए हुनर सीखना ज़रूरी होता है, यानी वो काम सीखना ज़रूरी होता है, जैसे माली है, दर्जी है, मोची है। ये सब पेशे ऐसे होते हैं जिनको जिनके लिए हमें हुनर को सीखना ज़रूरी है कि वो काम किस तरह किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस नज़म में कौन कौन से पेशे बताए गए, उनके क्या काम बताए गए। सबसे पहला पेशा बताया गया था धोबी। धोबी क्या काम करता है? धोबी कपड़े धोता है, धोबी हमारे कपड़ों को साफ करता है। मोची, मोची क्या करता है?
जूते सीता है, और कुम्हार, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से बर्तन बनाता है, और मछेरा, मछेरा क्या करता है, मछलियाँ पकड़ता है, और बावर्ची, बावर्ची क्या करता है, खाना पकाता है, बढ़ई क्या करता है, बढ़ई लकड़ी से सामान बनाता है, मुख्तलिफ तरह का सामान बनाता है जो आपके घर में मौजूद होता है, आपका, आपकी अलमारी, आपका फर्नीचर, मेज़, कुर्सियाँ, ये सब जो है बढ़ई बनाता है। हजाम क्या करता है, बाल काटता है, हजाम को नाई भी कहते हैं जो आपके बाल काटता है। मजीद पेशे हम जानते हैं जी, कसाई, कसाई क्या करता है, गोश्त बनाता है। हलवाई क्या करता है, हलवाई जो है मिठाई बनाता है, यानी मीठी चीज़ें बनाता है वो। डाकिया क्या करता है, हम तक खत पहुंचाता है, जो भी खत आता है पहले हम जो, अगर हमें किसी को खत भेजना होता है तो हम पोस्ट ऑफिस में जाके वो खत जमा करा देते हैं, जब वो जमा करा देते हैं इस पे हम पता लिख देते हैं कि ये इस जगह पहुंचाना है, तो वो उस पते पे पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस में उस जगह पहुंचा दी जाती है, फिर डाकिया जो है वो हमारे घर घर ये खत पहुंचाते हैं। पहरेदार क्या करता है, रात को जाग कर गलियों गलियों फिरता है, यानी गलियों गलियों फिर कर आपकी हिफाजत करता है। चौकीदार, चौकीदार क्या करता है, गेट पर बैठकर सबकी हिफाजत करता है, कि हम जब गेट पे बैठते हैं, गेट पर देखते हैं तो कि चौकीदार बैठा है, तो हमें इत्मीनान होता है कि वो हमारी हिफाजत कर रहा होगा और हमें कोई परेशानी नहीं होती। फौजी क्या करते हैं, सरहद का महाफी से दुश्मन से लड़ता है, फौजी हर वक्त दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और हमें, हमें महफूज रखते हैं, हमारी सरहदों को भी महफूज रखते हैं। और इसी तरह आखिरी पेशा है उस्ताद, उस्ताद क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं और इल्म की शमा रोशन करते हैं, यानी उस्ताद हमें इन तालीम देते हैं और हर तरफ इल्म फैलाते हैं। आपने यकीनन जाना होगा बहुत सारे पेशों के बारे में, अगर आपके जहन में भी कोई और पेशे हैं मज़ीद, तो आप उनके बारे में भी लिखिएगा, कि उनके नाम लिखिएगा और फिर उनके काम लिखिएगा कि वो क्या काम करते हैं, और फिर उसके बाद वो काम अपने उस्ताद को दिएगा, ताकि पता चले कि आप कितना जानते हैं मज़ीद पेशों के बारे में। शुक्रिया।